तो व्यूवर्स कैसे आप सब दोस्त, उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, जैसा कि आप अगर मेरी वीडियोस काफ़ी टाइम से देख रहे हैं तो आप ये जानते ही होंगे कि मेरी ये कोशिश रहती है हमेशा कि मेरी आने वाली हर नई वीडियो के अंदर कुछ नया दिखाया जाए, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आऊँगा आप दोस्तों के लिए ताकि आप लोग इन्जॉय कर सको। लेकिन यार, जो आज की वीडियो ये सब वीडियो से अलग होने वाली है। आज की वीडियो में हम कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाले, लेकिन आज की वीडियो में एक ट्रिक लेकर आया हूँ आप दोस्तों के लिए। ये जो ट्रिक है ये आप दोस्तों के काफ़ी काम आ सकती है आगे चल के, ये आप दोस्तों के बहुत हेल्प करने वाली है। तो काफ़ी टाइम से ये चीज़ मेरे जहन में चल रही थी कि यार ये चीज़ आप दोस्तों के साथ शेयर की जाए, लेकिन आज मुझे ये मौका मिला है तो मैंने सोचा क्यों ना इस चीज़ को अपने व्यूवर्स के साथ शेयर किया जाए। तो भाई साहब, ये एक छोटी सी चीज़ है मेरे पास, शायद काफ़ी ज़्यादा दोस्त इस चीज़ को पहचानते भी होंगे। यार ये है OTG और ये बआसानी आपको किसी भी मोबाइल शॉप से मिल सकती है, और इसकी जो प्राइस है वो भी कुछ इतनी ज़्यादा नहीं है, 40-50 रुपए के आसपास ही आपको अवेलेबल हो सकती है किसी भी मोबाइल शॉप से। तो भाई साहब, ये जो चीज़ है ये आपके कितने काम आ सकती है। लेकिन ज़्यादातर लोग जो इसका यूज़ करते हैं वो अपनी USB ड्राइव को यूज़ में लेने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इसको इस तरह लगाते हैं और अपने मोबाइल फ़ोन के साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं तो आपकी जो USB ड्राइव है वो आपके मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाती है और आप उसको बआसानी यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादातर दोस्त ये इसीलिए यूज़ करते हैं। लेकिन यार, क्या आपने कभी सोचा है कि ये चीज़ और भी आपके कितने काम आ सकती है, आप इससे कितने ज़्यादा काम ले सकते हैं? तो आज यही चीज़ आपको बताने वाला हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर कोई लॉन्ग टाइपिंग करना चाहते हैं और आप थक जाते हैं टच के ऊपर टाइपिंग कर करके और आप सही टाइपिंग नहीं हो पाती, तो वहाँ पर भी ये चीज़ आपकी हेल्प करने वाली है। कीबोर्ड को अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करके बआसानी से आप टाइपिंग कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ और कैसे कैसे हमारे काम आ सकती है। तो भी बस, जो हमारा मोबाइल है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो अब हम कनेक्ट करते हैं अपने कीबोर्ड को या माउस को। सबसे पहले हम माउस को कनेक्ट करके ट्राई करते हैं कि हमने किस तरह से अपने माउस को अपने फ़ोन के साथ ऑपरेट करना है। तो इसके लिए OTG की ज़रूरत पड़ती है, इस तरह की OTG होती है। मेरे मोबाइल को Type-C वाली लगती है, तो ये Type-C वाली है, तो आपने अपने मोबाइल के हिसाब से ले लेनी है। तो भाई साहब, OTG को मैंने लगा दिया है मोबाइल फ़ोन के जैक में। माउस की जो वायर है ये आपने लगानी है OTG में। तो भाई साहब, मैंने लगा दिए, तो आप देख सकते हैं कि जो माउस है उसकी लाइट जो है वो ऑन हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा माउस है वो मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो भाई साहब, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं बआसानी अपने मोबाइल को यूज़ कर पा रहा हूँ। पर मैं सेटिंग ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो भाई साहब, आप ये देखें कि बिल्कुल सेम कंप्यूटर की तरह यहाँ पर सेटिंग ओपन होके आ चुकी है, सारा कुछ माउस से ऑपरेट हो रहा है। भाई साहब, हम यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं ताकि हमारी जो वीडियो है यहाँ पर भी रिकॉर्ड हो सके। तो आप देख सकते हैं व्यूअर के बआसानी हम अपने मोबाइल फ़ोन को इससे ऑपरेट कर पा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ से हमने अगर अपडेट चेक करनी है। इसके अलावा अगर आप ब्राउज़र के ऊपर कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको बहुत हेल्प करने वाली है ये चीज़ कि आप ब्राउज़र के ऊपर माउस की मदद से अपने मोबाइल फ़ोन को ऑपरेट कर पाएंगे। जिस तरह के ये ब्राउज़र, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको डेस्कटॉप साइड पे लेके जाएंगे। डेस्कटॉप साइड ऑन हो चुकी है। तो यहाँ पर भाई साहब नेट काफ़ी वीक है, इस वजह से जो काफ़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन जो आप अपना मोबाइल फ़ोन है वो बहुत आसानी से यूज़ कर पाएंगे। मतलब कि आप ट्राईपोड के ऊपर मोबाइल लगा के आप कोई भी काम कर सकते हैं। आप WhatsApp यूज़ कर सकते हैं, आप किसी को अगर मैसेज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ टाइपिंग भी आ जाते हैं। तो आप हम ऐसा करते हैं कि भाई साहब, हम अपनी माउस वाली वायर उतारते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं कीबोर्ड वाली वायर। अगर आप कोई लॉन्ग टाइपिंग करना चाहते हैं, जो मोबाइल के ऊपर बंदा बोर हो जाता है, तो उसके लिए ये काफ़ी हेल्प करने वाली है आपकी। तो यहाँ पर आप देखें कि कीबोर्ड मैंने कनेक्ट कर दिया है। तो अब अगर मैं यहाँ पर कुछ टाइप करता हूँ तो वो बहुत ही ईजी तरीके से टाइप होगा। तो भाई साहब, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने टाइप किया है सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, तो काफ़ी आसानी से यहाँ पर जो है वो ऑपरेट हो रहा है। तो कीबोर्ड की मदद से भी आप मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस तरह थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इजी यही है कि आप जो है वो माउस की मदद से यूज़ करें। और इसके अलावा यहाँ OTG की मदद से आप अपना कोई दूसरा मोबाइल फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि इसकी वजह से जो आपका मोबाइल फ़ोन है
वो बैटरी से हाथ धो बैठेगा, इससे बैटरी ख़राब हो सकती है। तो भाई साहब ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को भी जल्दी सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट किसी और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।